नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दानी जी हैं जो पिछले 40 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी। सका दानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 40 सालों से आप डेरा में आ रहे हो। बेटे मेरा तो बहुत बुरा हाल था जब मैं नहीं आए कर दे। 40 सालों में बहुत फायदा हो रहा मेरे बेटे बेटी बीमार रहे कर दी, बहुत ज़्यादा दौरे पड़े कर दे बेटे ना, मेरे बेटी ना पड़े कर दे। ये बिल्कुल ठीक है बेटे, जदों था मम जुड़े नहीं जदों था ठीक है। और बेटे मेरा सांस का रोग था जमी बहुत ज़्यादा, मैं जमी चाल नहीं पाऊँ थी, बैठ नहीं पाऊँ थी, जमी साधन गल बलब इतना बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हाल था मेरा। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, उधर था जोड़ी में। और मेरे बेटे बेटी भी ठीक है, इतना कारोबार बध रहा बेटे ना, मालिक की दया था बधाया रखा बहुत ज़्यादा, सरकारी काम बधाया रखा बेटे, एक नौकरी लग रहा छोटा छोरा, बहुत ज़्यादा प्लाट ले लिए बेटे, बहुत काम बध रहा। और बेटे उधर था मालिक जहरे बहुत आव जाओ तो आ जाता था, 40 साल हो जावा सारा परिवार आवा ना, माई बहू आवा भी आवा। फिर बेटे ये तो हमारे मालिक पा झूठा दोष लाया, बहुत ज़्यादा झूठा लाया, बहुत गलत लाया बेटे सरकार ना, जो टीवी में मीडिया में दिखाया जा रहा था संसद। गलत है बेटे, सारी गलत है, झूठा सारी, बिल्कुल झूठा सारी, कोई सच नहीं जंगी। क्यों मतलब एक संत के बारे में ऐसे क्यों दिखाया जा रहा बेटे, उनका आवेगी उन पर भी ऐसी क्यों, मतलब क्यों झूठा, मतलब उन्होंने किया क्या है लोगों, पता नहीं बेटी उन्होंने के पाया लोगों के लिए। संत जी ने क्या किया है? कुछ नहीं बेटे, बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे बेटे, बहुत अच्छे करे। गरीब था, इतने कार्य जोड़े, इतने चीज दिए, बिस्तरे खाना दिया, कपड़े दिए, बहुत ज्यादा बहुत कुछ दिया बेटे। अब 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा गंदा बेटे, गंदा पड़ रहा है, बीमारी इतनी बढ़ रही बेटे, बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। हाँ बेटे है, मन तो जमीन लोचा है, मालिक जमीन रो भैया जा संत आ जा तोले आ जा बेटी, क्या मांग करूँ सरकार से, पिताजी आ जा बेटे तोले आ जा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पब्लिक मांग कर रही है, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आप आखिर सच क्या है, और अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद।